गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा ये है सेंटेंसेस पे। सो लास्ट की टू क्लासेस हम जो है पिछली दो क्लासेस से हम सेंटेंसेस ही पढ़ते आ रहे हैं। सो लास्ट के दो क्लासेस में हमने देखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम दो टाइप जो पढ़े थे वो हमने पढ़े थे, एक पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरे से थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट क्लास में जो हमने कल जो पढ़ा था हमने देखा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और हमने देखा था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो आज की क्लास में हमारे पास जो दो टाइप्स और बचे हुए हैं, सो आज इन दोनों टाइप्स को हम पढ़ेंगे। सो जो थर्ड टाइप होता है, यहाँ पे जो थर्ड टाइप है ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये थर्ड टाइप है सेंटेंस का। सो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। द सेंटेंसेस विच क्रिएट्स अ क्वेश्चन और आस समथिंग आर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से, कोई सवाल पूछा जाता है, या हम किसी से कुछ भी क्वेश्चन करें या हम कुछ भी पूछें, तो दोनों बात एक ही हैं कि हम किसी से कोई भी सवाल पूछ रहे हैं या कुछ भी पूछ रहे हैं हम, तो हम किसी से कोई चीज़ की जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं या हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं, यानी कि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, सो वो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब से इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप समझिए कि हमेशा से इसके अंदर से यही क्वेश्चन जो जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हाउ आर यू, कि मतलब कि तुम कैसे हो। सो इस तरीके से इसमें हमने सवाल पूछा है, तो ध्यान रखिए आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक सिंपल सी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो आपको एक तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो सेंटेंस जो है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप है, या एक हम कह सकते हैं कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब देखिए कि इसके जो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ये हो जाएगा हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। सो ये एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ये हमने बहुत बार सुना होगा कि हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। तो इसमें हम किसी से पूछ रहे हैं, किसी का हम हालचाल ले रहे हैं, उसका हम वेलबींग के बारे में पूछ रहे हैं कि वह कैसा है, उसका सब कुछ मतलब वो हम यहाँ पे पता कर रहे हैं। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, आप देखिए कि हम इसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देखिए कि इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा ये। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा
वाई आर यू सो लेट, यानी कि तुम इतना लेट क्यों हो। तो यहाँ पे देखिए, हम फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति से, कि यहाँ पे हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, ये होएगा सेकंड पर्सन की बात, कि वाई आर यू सो लेट, कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस भी हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपका थर्ड एग्जाम्पल जो हो जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल है हाउ डिड यू डू दैट, यानी कि तुमने ये कैसे किया। सो ये देखिए, यहाँ पे भी हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे किया, यानी कि हम उससे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम किसी से कुछ ना कुछ एक चीज़ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है हमको, हर जगह हम किसी ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, हम पहले पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, यानी कि वो अच्छा है, मतलब ठीक है कि नहीं है। सेकेंड कि हम वो व्यक्ति लेट क्यों हुआ, फिर हम पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे किया। तो इसमें हम हर तरह यही पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम पूछ रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा है तो क्यों है। सो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस होते हैं ये आते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। सो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए कि जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इंटरोगेटिव में, एक हो रहा है हाउ, वाई, यहाँ पे भी हाउ यूज़ हुआ है। सो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि ये एक फोर्थ टाइप है सेंटेंस का। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, ये देखिए, द सेंटेंसेस विच शोज द एक्साइटमेंट और इमोशन ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको किसी का एक्साइटमेंट नज़र आता है, एक्साइटमेंट यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है किसी चीज़ को लेकर, तो दैट इज़ नोन एज द एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर खुशी है किसी चीज़ को लेकर, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो एक्साइटमेंट को शो करता है कोई सेंटेंस, या अगर इमोशन को शो करता है, यानी कि व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है या अचंभित है, चाहे वो अच्छे फॉर्म में हो चाहे बुरे फॉर्म में हो, तो यहाँ पे या एक्साइटमेंट या इमोशन को जो सेंटेंसेस शो करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, सो उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें लगता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरीके से होता है। सो इस तरीके का मार्क आपने पहले भी देखा होगा। सो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो
ये आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगा हुआ दिख जाएगा। अगर आपको बोला गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप फॉर्म कीजिए तो उसमें आपको ये साइन लगाना ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, यानी कि आपको ये साइन लगाना ज़रूरी है। या आप किसी सेंटेंस में देखते हैं कि इस तरीके का साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है और ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो एग्जांपल्स हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, सबसे पहला है पहला सेंटेंस है वाओ द हाउस इज सो बिग, यानी कि देखिए कि वाओ की जो है घर बहुत बड़ा है। सो देखिए यहाँ पे एक एक्साइटमेंट का साइन दिख रहा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति है जिसने घर देखा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि आप जो सबसे पहला वर्ड होगा ये आपको सेंटेंस का आपको एक वो बता देगा कि सेंटेंस में खुशी है या सेंटेंस में दुख है। सो यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है किसी चीज़ को देख के, तो इसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन साइन का जो है यहाँ पे यूज़ किया है। सो वाओ द हाउस इज़ सो बिग, यानी कि जो घर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहला तो हो गया ये एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है ये है आ द वूंड इज पेनिंग, यानी कि यहाँ पे हम किसी का इमोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आ है ये बेसिकली किसी के पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द वूंड इज पेनिंग, यानी कि जो चोट है उसमें दर्द हो रहा है। सो ये दो एग्जांपल हैं जहाँ पे यहाँ पे हम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं और यहाँ पे इमोशन दिखा रहे हैं। सो ये दो एग्जांपल्स हैं बेसिक से जहाँ पे एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल है, जहाँ पे दोनों जगह देखिए आप एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ भी लगा है और यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है। सो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि जो दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जो सबसे पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने देखा और ये इसके एग्जांपल्स थे। तो ये आज के दो टाइप के हमारे जो सेंटेंसेस थे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।